राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तभी उनका ज्ञान चक्षु क्यों खुलता है? उनको ज्ञान विदेश में जाने के बाद ही मिलता है? राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तभी उनका ज्ञान चक्षु क्यों खुलता है? उनको ज्ञान विदेश में जाने के बाद ही मिलता है। और सबसे बड़ा खतरा जो है इस देश में, भारतीय लोकतंत्र पक्ष के साथ विपक्ष भी होता है, लेकिन राहुल गांधी ने उस विपक्ष को इतना बदनाम कर दिया है, इतना कमजोर कर दिया है कि इस देश में भारतीय लोकतंत्र पर भी विपक्ष का नहीं होने का एक खतरा पैदा हो गया। और कल अमेरिका में बोल रहे थे कि विपक्ष का होना कोई मतलब नहीं रखता है, तो भारतीय लोकतंत्र को जिसको समझ हो गई वो विपक्ष का नहीं होने का मतलब तलाशेगा तो कौन उनको प्रधानमंत्री बना दे? प्रधानमंत्री तो देश की जनता बनाती है मोदी जी को। हम तो चाहेंगे भी तो राहुल गांधी, और हमारे पार्टी के नेता भी चाहेंगे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, उनको कौन प्रधानमंत्री? और प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके उन लोगों के दूसरा पेट में दर्द पेटमती है। वो लोग चाहते हैं कि मेरे खानदान का कोई प्रधानमंत्री होना चाहिए, नहीं तो मेरा कोई कारिंदा प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये 2014 के बाद संसदीय राजनीति में जो भरोसे का संकट समाप्त हुआ, जो बदलाव हुआ है, उसका बड़ा कारण मोदी जी हैं कि देश में भविष्य की राजनीति अब ऐसा भी नहीं होगा कि मेरे घर का कोई प्रधानमंत्री हो या मैं कोई कारिंदा पारे प्रधानमंत्री हो, ये पक्की बात है। और राहुल गांधी के जो पेटपति है वो अमेरिका में जो शुरू होती है और देश में घूम कर शुरू होती है वही है। तो क्या विपक्ष से खतरा है? विपक्ष आज के दिन में भारत में विपक्ष है कहाँ? विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर है क्या? ऐसा कभी न करे विपक्ष 1952 के बाद आज तक तभी नहीं हुआ। मैं 1991 संसद में उस बात को कह सकता हूँ। तो विपक्ष हम थे और शक्तिशाली विपक्ष थे, इसलिए हमारी जहाँ से यात्रा शुरू हुई आज हम सरकार में हैं मोदी जी के नेतृत्व। नहीं, अखिलेश जी बलिया हैं तो उन्होंने कहा है कि जो संसद में जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो सारे के सारे गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग संसद में जो नई संसद भवन बना इसलिए आप बहिष्कार करते हैं। संसद में आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो संसद में रहे हैं, संसद में गलत आंकड़े प्रस्तुत करने के बाद उसके लिए विशेषाधिकार बनाया गया संसद के अपमान पर विशेषाधिकार रिमूव करना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।